को जब जब मैं देखता तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो, आराधना हो प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो, आराधना हो प्रभु तेरी आराधना। यीशु की आराधना करें। इस पवित्र रोटी में, इस पवित्र संस्कार में हम प्रभु की आराधना करें। एक बार फिर हम गाते हुए प्रभु की आराधना करें। इस पावन रोटी में, इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, धन्यवाद यीशु। मैं तेरे साथ रहूँगा। एक बार आराधना, आराधना हो, आराधना हो प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो, आराधना हो प्रभु तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। बैठिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज के कृपाग्नि प्रार्थना समय में हम विशेषकर प्रभु के उस दुख वो को याद करते हुए हम कुछ पल प्रभु के साथ बिताए। आज पवित्र शुक्रवार गुड फ्राइडे हम मनाते हैं। आज के दिन प्रभु यीशु ने मानव जाति की मुक्ति के लिए अपने आप को सलीब पर चढ़ा दिया। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16, John 3:16, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उनका सर्वनाश ना हो बल्कि वे अनंत जीवन प्राप्त करें। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का प्रेम, मनुष्य के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम कितना गहरा है, वो प्रेम कितना सच्चा है, वो प्रेम कितना दृढ़ है, आज के दिन उस प्रेम को हम समझते हैं। ईश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। इसका दूसरा एक अर्थ है प्यारे भाइयों बहनों, कि जितना पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु से प्यार किया, उतना ही या उससे ज्यादा ही ईश्वर हमसे भी प्यार करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र की कुर्बानी दी, बलि चढ़ाया। तो हम आज ईश्वर के प्रेम को याद करते हैं। इतना ही नहीं, यीशु की उस कुर्बानी को भी हम याद करते हैं जिसके द्वारा मुझे और आपको और सारे संसार को मुक्ति मिली है। ये संसार को मुक्ति कैसे मिलती है, कारण क्या है कि प्रभु ने दुख भोगा है। प्रभु ने हम सबके पापों के लिए, सारे मानव जाति के पापों के लिए
प्रभु यीशु ने प्रायश्चित किया है। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। इसलिए कहा जाता है कि यीशु संसार का जो मेमना है, जो पाप हर लेता है। पुराने विधान में हम देखते हैं पापों के बलि के रूप में मेमने को चढ़ाते थे, यहां पर यीशु खुद हमारे लिए मेमना बना। यीशु खुद हमारे लिए ये भेड़ के रूप में अपने प्राण की आहुति दी। क्या यीशु ने खुद रक्त बहाकर हम सब के लिए प्रायश्चित किया? या किसी को सजा मिलती है तो उस समय अन्य किसी व्यक्ति वो सजा अपने ऊपर लेते हुए जिस व्यक्ति को सजा मिलती है उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु ने हम सब के पापों के लिए, सारे मानव जाति के पापों के लिए ये पाप का बोझ, ये पाप का दंड, ये पाप की सजा अपने शरीर पर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। मैं इस के लिए इस पाप के सजा दंड में भोगता हूँ, ऐसे कहते हुए उन्होंने अपना प्राण सलीब पर नौछावर कर दिया। ये छोटी बात नहीं है, ये दुनिया में पहली घटना है। इसलिए प्रभु यीशु के बलिदान का दिवस हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और ये विश्वास, ये भावना हमारे मन में लानी चाहिए कि ईश्वर प्रेमी है। मेरे प्रेम मुझे पाने के लिए, मेरी मुक्ति के लिए पिता ईश्वर ने बलि चढ़ाया है, पिता ईश्वर ने बहुत बड़ा त्याग उठाया है अपने पुत्र का प्राण लेते हुए। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। हाँ प्यारे मित्रों, आज का दिन हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आज हम स्वतंत्र हुए हैं, हम आजाद हो गए हैं। कहाँ से? पाप के बंधनों से, शैतान के जंजीरों से, मृत्यु से हमें मुक्ति मिली। यीशु ने ये बताया कि मैंने तुम्हारे पापों का बोझ मैंने अपने शरीर पर उठाया है, मैंने आपके लिए प्रायश्चित किया है, आप सभी लोगों के लिए प्रायश्चित किया है। इसलिए आपको अभी दुखी होने की आवश्यकता नहीं, शैतान को अभी सबसे आप पर कोई अधिकार नहीं है। आपको जो दंड मिलने वाला था उस दंड को मैंने स्वीकार किया है, मैं भोगा हूँ। इसलिए प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता है, सारे दुनिया के मुक्तिदाता है, क्योंकि यीशु के बलिदान सारे मानव जाति के लिए थी। इसलिए प्रभु के वचन में बताया गया है समस्त मानव जाति के लिए प्रभु की, ईश्वर की कृपा प्रकट हुई है। वो कृपा जो प्रकट हुई है वही है प्रभु ईसा मसीह, वही है प्रभु ईसा मसीह, वही मुक्तिदाता है। उसके अलावा और कोई मुक्तिदाता नहीं, कारण प्रभु यीशु के अलावा और किसी अन्य व्यक्ति ने मनुष्य के पाप के लिए प्रायश्चित नहीं किया है। किसी अन्य व्यक्ति ने मनुष्य के पापों के लिए, मनुष्य को जो दंड मिलना था, जो सजा मिलनी थी, वो सजा को अपने शरीर पर स्वीकार नहीं की है। इसलिए यीशु सारे मानव जाति का मुक्तिदाता है। जब हम विश्वास के साथ यीशु के इस बलिदान पर विश्वास करते हैं, यीशु के इस बलिदान पर विश्वास करते हुए अपने पापों को प्रभु के पास जाकर कबूल करते हैं, या अपने पापों के प्रति हृदय से पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु यीशु हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। कारण क्या है? यीशु ने हमारी सजा अपने स्वीकार की है, इसलिए हमें आगे सजा भोगने की आवश्यकता नहीं। तो हमें एक आजादी देने में, एक गुलामी से, पाप की गुलामी से, पाप के बंधनों से छुटकारा देने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए प्रभु ने अपना रक्त बहाया। इतना ही नहीं, प्रभु ने हम सब के लिए दाम चुकाया है। हम खरीद चुके हैं, हम खरीद गए हैं। यीशु ने हमें खरीद लिए हैं, अपने रक्त का मोल देकर, अपना प्राण का मोल देकर प्रभु यीशु ने हमें खरीद लिए हैं। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। इसलिए कहते हैं कि अभी हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, प्रभु यीशु का अधिकार है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे और आपको खरीद लिए हैं, दाम चुकाया है। तो प्रभु ये नहीं चाहता कि जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने दाम चुकाया वो व्यक्ति नरक में जाए, और व्यक्ति का विनाश हो जाए, और व्यक्ति के जीवन में रोशनी खत्म हो जाए, वो व्यक्ति शैतान के फंद में फंस जाए, यातना में, पीड़ा में, दुख में, दर्द में, निराशा में,
जीवन बिताए ये ईश्वर नहीं चाहता है। इसलिए जो लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं वे लोग जीवन पाते हैं, वे लोग जीवन पाते हैं। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। कुरिन्थियों के नाम पत्र में हम देखते हैं अध्याय 15 वर्ष संख्या 3 में संत पौलुस कहता है, मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। देखिए, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। आगे हम देखते हैं बाइबल में और पेत्रुस के पत्र में, हम देखते हैं संत पेत्रुस का पहला पत्र में अध्याय 1 में हम देखते हैं वहां पर पद संख्याएं 18 और 19, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंग मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर, मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर आपका उद्धार हुआ है। हाँ प्यारे दोस्तों, आज के दिन प्रभु ने हमारे लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। ये प्रेम का मिसाल उन्होंने दिया। संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 15 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं, इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं कि कोई अपना मित्र के लिए अपना प्राण गवा दे, समर्पण करें। और यीशु ने न सिर्फ प्रेम के बारे में शिक्षा दी, बल्कि अपना प्राण को देते हुए, समर्पण करते हुए, दूसरों के लिए समर्पण करते हुए, हम सब के लिए समर्पण करते हुए प्रभु यीशु ने ये बताया कि ये सच्चा प्रेम है, ये सच्चा प्रेम है। दुनिया का प्रेम सच्चा प्रेम नहीं, ईश्वर का प्रेम सच्चा सच्चा प्रेम हमेशा त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है। सच्चा प्रेम हमेशा बलिदान मांगता है, और प्रभु यीशु ने ये बलिदान देकर, त्याग देकर हमें बताया कि वो हमारा सच्चा दोस्त है, वो हमारा सच्चे प्रेमी ईश्वर है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। प्यारे मित्रों, सलीब कालवरी टेकड़ी पर, सलीब पर, क्रूस पर यीशु ने अपने दोनों हाथ पसारते हुए दुनिया को ये बताया, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, मैं उतना प्यार करता हूँ, तुम सब मेरे हो, तुम्हें जीना चाहिए, तुम्हें पवित्र बनना चाहिए, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैंने आपके लिए जो मुक्ति विधान की पूर्णता की है सलीब पर, उस मुक्ति विधान का, उस मुक्ति कार्य का फायदा आपको मिलना चाहिए, उसका फल आपको ग्रहण करना चाहिए। ईश्वर ने योजना तैयार की, ईश्वर ने योजना बनाई थी मनुष्य को बचाने के लिए, उस योजना के तहत अंतर्गत प्रभु यीशु का स्मरण हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसके अलावा प्यारे भाई बहनों, इस पवित्र शुक्रवार के दिन, गुड फ्राइडे के दिन हम शोक मनाते हैं, हम प्रार्थना में भाग लेते हैं, यीशु के प्रति हम उपवास रखते हैं, हम अपने आप को लीन बनाते हुए प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज का दिन का महत्व क्या है कि प्रभु ने दूसरों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा जीवन में जो दुख तकलीफ है, वो दुख तकलीफ के पीछे एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य है, एक मतलब है। आप आज दुख भोगते हैं प्रभु के कारण, या सच्चाई के मार्ग पर चलने के कारण यदि आप दुख भोगते हैं, तो ये आपके लिए बड़ी महिमा का विषय है, आपके लिए बड़ी महिमा का विषय है। आप प्रभु से सच में पुरस्कार पाएंगे। एक मीनिंग, एवरी सफरिंग हैज़ अ मीनिंग, हर एक दुख भोग को एक अर्थ है, एक कारण है, उसका एक फल है। ये प्रभु आज हमें बताना चाहते हैं। कारण क्या है? दुख भोगते हैं तो हम मसीह के दुख भोग में सहभागी हो जाते हैं। पेतुस का पहला पत्र 4:12 में हम पढ़ते हैं, हम मसीह के दुख भोग में हम सहभागी हो जाते हैं। संत पेतुस के पहला पत्र 2:19 में पढ़ते हैं कि वहां पर बताया गया, यदि हम दुख भोगते हैं हम पुण्य का काम कर रहे हैं। संत पौलुस कहता है कि हमें मसीह के लिए दुख भोगने का वरदान मिला है, ना सिर्फ विश्वास करने का बल्कि दुख भोगने का भी वरदान मिला है। फिलिपी के नाम पत्र 1:29 में इसी प्रकार एक वरदान है प्यारे भाई बहनों। इसलिए याकूब के पत्र में बताया गया है कि दुख भोगने से धैर्य उत्पन्न होता है,
दुख भोगने से हम यीशु के सच्चे चेले बनते हैं, शिष्य बनते हैं। यीशु के शरीर में, कलीसिया रूपी शरीर में जो दुख भोग की कमी है उसको हम पूरा करते हैं। ये भी संत पौलुस कलोसियों के नाम पत्र में कहते हैं, हमारे दुख भोग का पीछे एक उद्देश्य है। इसलिए जीवन में जब तकलीफ आए, परेशानी आए, तो हम हिम्मत ना हारे, हम निराश ना हो जाए, हम ये ना कहे कि ईश्वर ने मुझे त्याग दिया है, ईश्वर मेरी नहीं सुनता है। कोई ईश्वर ऐसा कोई ईश्वर नहीं, भगवान नहीं। ऐसे कहते हुए हम ये अपने प्रभु को ना त्यागें, प्रभु के बलिदान को याद कीजिए। कालवरी कर उस क्रूस पर अपनी नजरें टिकिए, उस क्रूस की ओर देखिए, नजरें उठाइए उस क्रूस को देखिए, जहां से प्रभु कहते हैं मैं प्यासा हूं। सलीब पर से यीशु ने चिल्लाया मैं प्यासा हूं। काहे के लिए? पानी के लिए था वो प्यास, आत्माओं को बचाने का प्यास, आत्माओं को बचाने की प्यास थी। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। यदि प्रभु यीशु को दुख भोगना पड़ा तो हम सबको भी दुख भोगना पड़ता है। हमें भी इस दुख भोग को एक मुक्तिदायक बनाना चाहिए, मुक्तिदायक बनाना चाहिए। अपने पवित्रता, आत्मा की पवित्रता के लिए इस दुख भोग को स्वीकार करना चाहिए, अपमान को स्वीकार करना चाहिए। यदि समाज हम पर हंसते हैं, दूसरे लोगों के सामने हमारी आलोचना होती है, या दूसरे लोग हम पर झूठे अपवाद फैलाते हैं, दोष लगाते हैं, उस समय हम निराश न हो जाए, दुखी ना हो जाए, हम बदले की भावना से ना भरें, बल्कि हमें यीशु के दुख भोग को याद करना चाहिए, प्रभु यीशु के दुख भोग को याद करना चाहिए। क्योंकि यीशु ने दुख भोगा इसलिए हम बच गए हैं, प्रभु ने जो दुख भोगा जिसके कारण हम बच गए हैं, हम आज जीवित हैं। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 52:53 में हम पढ़ते हैं, अध्याय 53:4-5 में, परंतु वह हमारे रोहों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, हमें बताया गया वो तिरस्कृत, हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ तिरस्कृत समझते थे। आपके जीवन में, आपके जीवन के पराजय को देखते हुए, दुख भोग को देखते हुए लोग कहेंगे आप एक पराजित व्यक्ति हैं, आपके पराजित व्यक्ति हैं। लेकिन प्रभु के मन में कुछ अलग योजना है। प्यारे मित्रों, ईश्वर के मन में कुछ अलग योजना है। उस योजना को पहचानने के लिए हमें आत्मिक कृपा की आवश्यकता है। यीशु के दुख भोग को आज हम मनाते हैं, उस दुख भोग को याद करते हैं। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं अपने पुत्र को हमारे लिए भेजने के प्रति। तो आज के दिन हमें एक दृढ़ संकल्प करना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, भले ही जीवन में दुख संकट आए, परेशानी आए, अपमान सहन करना पड़े, वेदना सहन करना पड़े, लेकिन हम अपने विश्वास से अलग ना हो जाए, हम ईश्वर का साथ ना छोड़ें, उनके अंगुली को पकड़ते हुए हम आगे बढ़े। क्योंकि हमारे दुख भोग में हम अकेले नहीं हैं, हमारे दुख भोग में हम अकेले नहीं, ईश्वर हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु ने खुद दुख भोगा है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। प्रभु यीशु ने कहा जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठा ले और मेरा अनुसरण करे। आत्मत्याग करते हुए अपने हितों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को त्यागते हुए, अपने जीवन का बोझ उठाते हुए यीशु का अनुसरण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ईश्वर ने हम सब के लिए एक योजना तैयार की है, हमारे लिए हित की योजनाएं, अहित की नहीं, आशामय भविष्य की योजनाएं। उस योजना को समझने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हम कुछ पर प्रभु की आराधना करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस दिन के प्रति। प्रभु के बलिदान के दिन को हम याद करते हैं। ये एक सादा बलिदान नहीं, ये अन्य लोगों के बलिदान जैसे नहीं, ये दूसरे मनुष्यों के बलिदान जैसे नहीं,
ये देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के बलिदान जैसे नहीं, इससे कहीं गुणा बढ़कर एक बहुत बड़े बलिदान का दिन है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, यीशु की आराधना करें, एक बार फिर ये परम साथ की ओर हम विश्वास के साथ देखें। वो हमारे पापों को, हमारे कमजोरियों को दूर करें, हमारे दुख तकलीफों को दूर करें, वेदना में हमें धीर दें, सांत्वना प्रदान करें। आइए एक बार फिर हम प्रभु की स्तुति करें, एक साथ स्तुति करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, महिमा हो, प्रभु आराधना हो, आराधना हो प्रभु, आराधना प्रभु। सारे दुखों के प्रति हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, कष्टों के प्रति आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, पराजयों के प्रति आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपमान के प्रति आपको धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। दो लाइन और गीत गाते हुए हम परम प्रसाद की आराधना समाप्त करें, एक और दो लाइन गाते हुए हम प्रभु की आराधना करें। जोड़कर सिर झुकाते हुए प्रभु के इस बलिदान के प्रति ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, ईश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए हम इस पवित्र संस्कार में परम प्रसाद में उपस्थित ईसा मसीह का आशीर्वाद हम स्वीकार करते हैं।